बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे। बच्चों, डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 9 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट की प्लांट में किस प्रकार न्यूट्रिशन होता है। तो लेट अस नो समथिंग मोर। आज हम कुछ और नई जानकारी हासिल करेंगे। बिसाइड्स लीव, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस। तो इसमें कहा गया कि लीव्स के अलावा भी जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट के अदर ग्रीन पार्ट्स पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि इसमें क्या कहा, जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ग्रीन लीव्स में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जो प्लांट्स है उसके अलग अलग जो पार्ट्स है, जैसे ग्रीन स्टेम हो, ग्रीन ब्रांचेज हो, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन स्टेम दिखाई गई है और ग्रीन ब्रांचेज, तो इनमें क्या हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। तो पढ़ते इसमें, द डेजर्ट प्लांट हैव ए स्केल फोर स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जो पानी का लॉस कम से कम हो उसके लिए क्या होती है, इनकी जो बॉडी होती है, जो उनके लीव्स होते हैं वो स्पाइन लाइक होते हैं, मतलब उसमें कांटे होते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि जो पानी का लॉस है वो कम से कम हो सके। दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन कलर की स्टेम होती है, मतलब तने होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। एग्जाम्पल है एगेव, एलोवेरा एंड बैरल कैक्टस। तो बैरल कैक्टस और एलोवेरा और गेवी तीन प्लांट ऐसे हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस इनके ग्रीन स्टेम की वजह से होता है। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। तो वो लीव्स जो कि ग्रीन नहीं होते उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर बॉडी आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो जो पॉन्ड होते हैं, जो पॉन्ड में जो पानी रुक जाता है उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, जैसे पॉन्ड है इसके आसपास जो ग्रीन पैचेस आए हुए हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन पैचेस आए हुए हैं बच्चों, और ये जो ये पत्तियाँ हैं जो टूट के जा चुकी हैं और यहाँ पे क्या है, देखो ग्रीन ग्रीन हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाती है, इसमें किसकी वजह से ग्रीन होती है, एल्गी की वजह से ग्रीन होती है। दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, और इनके अंदर भी क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, जो इनको ग्रीन कलर देता है। तो इनमें भी क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस होता है, इनके ग्रीन कलर के कारण में फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन से देखते हैं इस वर्कशीट के, राइट नेम ऑफ द डेजर्ट प्लांट विच इज सीन बाय यू इन योर नेबरहुड। तो कुछ डेजर्ट प्लांट के नाम बताने जो कि आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं। तो आपने अपने आसपास ये सब प्लांट देखे होंगे बच्चों, ये इन प्लांट के नाम लिखेंगे, अगेव, एलोवेरा एंड बैरल कैक्टस, ये सब आपने अपने आसपास देखे होंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा, देखिए ये प्लांट की फोटो दी गई है, ये एलोवेरा है, ये कैक्टस के प्लांट है, तो ये आपने सबने देखे होंगे, तो आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। तो एल्गी जो होती है वो ग्रीन कलर की क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो इसमें आप लिखेंगे, दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर, या आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कलेक्ट डिफरेंट कलर लीव्स एंड पेस्ट इन योर नोटबुक। तो आपको अपने अपने आसपास जितने पेड़ पौधे उनमें से आप अपने अलग अलग कलर्स के लीव्स इकट्ठे करने हैं, 3-4 लीव्स आप इकट्ठे करेंगे और उसको अपने नोटबुक में चिपकाएंगे, और उसको अपना क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये काम खुद करना है। तो ये वर्कशीट के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों, वर्कशीट आपकी कंप्लीट। वर्कशीट का सलूशन बच्चों अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपने ये वीडियो शेयर की है या नहीं की है, और कमेंट ये भी करें कि आपका क्या नाम है और आपने पूरी वीडियो देखी है, और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।